तो जी राम राम, नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भाई आपने सुना ही होगा सुमित गोस्वामी के बारे में, जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। अमन बैसला नाम का एक शख्स जिसने आरोप लगाया अपनी वीडियो में सोशल मीडिया पर कि भाई सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल नाम की एक लड़की ने उसके साथ फ्रॉड किया और उसके पैसे खाए। ये सारी बातें उस वीडियो में उस बंदे ने बोली हैं, और बड़े दुख की बात कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है भाई। तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा एंड में पूरा, और आप सुनिएगा उसको, बहुत ही जो गहन बातें उसमें की गई हैं। अमन बैसला नाम का एक शख्स भाई 3 दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बोलता है, सारी चीज़ें बताता है कि कैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ। पहले 2 लाख रुपये लिए गए, उसके बाद 5 लाख लिए गए, फिर 10 लाख और मांगे गए मर्डर जो रेप केस की धमकी के साथ। और फिर उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी हैं जो सुमित गोस्वामी भाई की आवाज़ में है, ऐसा कहना है अमन बैसला का कि वो सुमित गोस्वामी की आवाज़ है। हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता भाई, और पुष्टि है भी नहीं कि वो सुमित गोस्वामी की है या नहीं है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो भाई अमन बैसला ने सारी चीज़ें बताई, सुमित गोस्वामी भाई से हमने बात करने की कोशिश की और फ़ोन किया, तो हमारे सामने जो चीज़ें निकल के सामने आई भाई कि जो नेहा जिंदल है उसके ऊपर आरोप लगाया है जो उनके मैनेजमेंट टीम के बंदे हैं एक, जिनसे हमारी बात हुई कि नेहा जिंदल ने फ्रॉड किया है बीच में, और सुमित गोस्वामी भाई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सारी चीज़ें जो बताई गई हैं हमें, उसके अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ और ना ही मैं जोड़ता। मैंने बात की और उन्होंने बोला कि आप सच बताइए, सच दिखाइए। मैं सच ही दिखाता हूँ भाई हमेशा। भाई अमन बैसला ने जो भी चीज़ें दिखाई, मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन एक एक प्रूफ के साथ बंदे ने दिखाई है सारी चीज़ें। आपने अगर वो वीडियो देखा है 34 मिनट का, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए आप देखिए उसको वहाँ पे, और बाकी रिकॉर्डिंग एंड में है, पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन के जाइए। भाई बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है, अपने पर्सनल ओपिनियन दूँ तो फिर यही कहूँगा भाई कि लड़कियों की इज़्ज़त करता है समाज, लेकिन उस चक्कर में भाई लड़कों की इज़्ज़त शायद कहीं ना कहीं खो रही है। भाई मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका पता नहीं क्या है, कि लड़की को कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ और वो दिया जाता है सुरक्षा के नाम पे, होना भी चाहिए, लेकिन भाई आजकल मेरे को लगता है कि लड़कों की बजाय लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ओवर हो रही हैं इस मामले में। भाई झूठे रेप के केस और ये सारी चीज़ें, जो मनीषा के साथ पीछे हुआ वो एक सच्चा केस था, लेकिन इसी चक्कर में भाई कई सच्चे केस छुप जाते हैं जो झूठे केस हैं, इस वजह से विश्वास उठना शुरू हो गया लोगों का। तो सुमित गोस्वामी भाई से जल्दी मिलवाने की कोशिश रहेगी आप लोगों से, बाकी आप एंड में वो रिकॉर्डिंग सुन के जाइए। मैं सच दिखाता हूँ, सच बताता हूँ, झूठ दिखाने का ना मेरा कोई इरादा है ना ही मैं कभी दिखाता हूँ। तो आप सच सुन के जाइए, पूरा सुनिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए हमारी पूरी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। उनकी मैनेजमेंट से बात हो रही है सर? जो मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ सर, रोहित लांबा नाम है मेरा। तो सर मेरा चैनल है 27 के का छोटा सा परिवार है सर अपना। अच्छा अच्छा, तो भाई बहुत बढ़िया जी सर। जो तो भाई मैटर चल रहा है, मैं बताऊं, वो लड़की साड़ी फ्रॉड है, वो अभी उसको खा के आई है, एक मर्डर किया उसने। अच्छा। अभी वो सुमित को बदनाम करना चाह रही है, वो उसको भी खाना चाह रही है, ठीक है? अच्छा, तो दिल्ली की लड़कियों का आपको पता ही है, वैसे आप रिकॉर्ड कर लो, बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे भाई वो कभी भोले इंसान है, उनको नहीं पता, अगर गाली गलौच उन्होंने नहीं, मतलब जो भी की है, जो भी बोला है जी, उस लड़की ने मतलब कुछ ना कुछ ब्लैकमेल किया होगा। हाँ भाई, नहीं वो जो ऑडियो में आवाज जो सुनाई है प्रवीण भाई, क्या वो सुमित भाई की है? भाई वो पता नहीं सुमित भाई की या फेक है, सुमित भाई की है। अगर वो इस तरीके से बोली गई होगी, हाँ भाई अगर किसी को कोई लड़की या औरत कोई किसी को छेड़ता है ना, तो हर बंदा आवाज उठाता है जी। अच्छा, तो उसमें यूं भी है, हाँ भाई वो लड़का परेशान कर रहा है। बाकी वो लड़का सही है, जो ये लड़की है ये फ्रॉड है, क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी है। अच्छा, ठीक है, उसमें मैंने नेहा जिंदल, अच्छा, उसने किया है फ्रॉड, ठीक है? अभी वो उसके साथ कर रही है, अभी क्या हमको पता लग गया, क्या पता सुमित भाई के साथ करती, ठीक है? अच्छा, तो बस यही चीजें हैं। अच्छा भाई, तो मतलब अमन भाई ने फिर सुमित भाई का नाम क्यों ले दिया? उस लड़की का ही लेना चाहिए था ना भाई, वो अभी सुमित भाई के साथ रहती है, वीडियो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है? अच्छा, तो कहीं ना कहीं हाँ भाई उनके साथ रहती है, तो उनका नाम है तो ज्यादा उससे उठेगा, हाँ भाई लोग जानेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाकी तो सर वो बंदा तो सुसाइड कर गया ना भाई, वो तो पता नहीं मेरे को, ठीक है?
बाकी वो बंदा यार मेरे को उसका खुद ही दुख है, हाँ भाई वो सुसाइड कर गया, ठीक है उसको लड़ना था, ये सारी चीज करनी थी, बाकी भाई वो लड़की बहुत फ्रॉड है, क्या पता सुमित भाई भी अभी दिक्कत में हो। वो एक बात और सारी चीज जान के, देखो मेरे को मेरी बात नहीं हुई, ठीक है जैसे ही मेरी बात होगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात और पूछनी थी कि वो लड़की जो बोल रही थी सुमित भाई के फादर साहब के लिए 5 लाख रुपए लिए गए थे, तो वो बात क्या सच है सर? तो भाई वो चीज नु बताओ क्यों लेती वो, अभी सुमित भाई के साथ रहती है, सारे आधार कार्ड पैन कार्ड काम संभालती है, तो वो डॉक्यूमेंट तो होंगे ही, ठीक है कहीं ना कहीं सुमित भाई की वो पापा की रिपोर्ट है, उसने ली होगी पैसे अपने खाने दे, यार सुमित भाई के पास पैसों की कमी होगी क्या? वही हरियाणा के टॉप आर्टिस्ट हैं, ठीक है अभी उनको नु मान के चलो फसाया जा रहा है, आपको भी पता है आप ले सकते हो, जो लड़की है वो साड़ी फ्रॉड है जी, ठीक है बस यही चीज है सर। प्रवीण भाई अभी सुमित भाई का एक छोटा सा बाइट हो जाएगी क्या? बाइट वाइट देख अगर देख कुछ वजह होगी दोस्त, अभी तक वो लाइव नहीं आए, कुछ ब्लैकमेलिंग चल रही होगी, हाँ भाई जो जिस करके वो लाइव नहीं आ रहे। तो प्रवीण भाई आपसे मिल सकते हैं फिर? भाई मैं तो नहीं मिल सकता दोस्त, क्योंकि मेरा पहले ही बहुत वो है दोस्त, ठीक है परेशान नहीं है, मैं नहीं बोल सकता दोस्त। अच्छा तो ये सारी बातें हुई हैं, आप खुद अपनी वॉइस में डाल देना, बाकी जो आपको लगता है वो डालो, जैसे लोग डाल रहे हैं ऐसा डालना चाहते हो ऐसे डालो, को कोई वो नहीं है। नहीं सर मैं तो शाम सच्चाई डाल देता हूं, देखो मैं तो अगर देखो पता है क्या है, अगर देखो हम सपोर्ट करेंगे ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार वो एक बंदे को खाइए उसका पैसा खत्म हुआ, सुमित भाई के पास आई इसका पैसा खत्म करके, यहाँ पे वो उस बंदे ने वीडियो बना दी फसा दिया दोनों को, हाँ भाई साथ गई है ठीक है, अभी ये सुमित को भी खाती हमको पता लग गया तो भाई हमको बचाव तो हो गया ना, अब साथ में नहीं है प्रवीण भाई, भाई अब साथ में नहीं है मतलब मेरी बात नहीं हुई, बाकी अभी इतनी चीज हो गई है तो साथ में क्यों रहती भाई। अच्छा चलो ठीक है, तो प्रवीण भाई अगर बाइट वाला हो जाए तो जरूर बता देना, और भाई बाइट वाला अगर बात हो जाती है तो दोस्त मैं सबसे पहले लाइव आने के लिए बोलूंगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ऑडियंस है एक बंदे से है मतलब प्रूफ नहीं किया जा सबसे लड़ना मतलब सारे फेस करने पड़ेंगे, प्रवीण भाई है भाई है ठीक है, सारे भी दिल्ली के हिसार के जहाँ के भी हैं ठीक है, सारे भाई है फरीदाबाद कहीं के पंजाब है ना, तो सबसे सारी चीज बतानी है, हाँ भाई एक भाई तो उस लड़की ने खा लिया है ये पता, दूसरा भी सिचुएशन में है, तो थोड़ा जो भी करना है सोच समझ के करो, क्योंकि वो बोले इंसान है वो इतना नहीं कर सकते भाई, उसके पास अगर उन्होंने बोला है उसके पास भी कुछ वजह होगी जी। चलो भाई और कुछ नहीं है, थोड़ा अच्छे तरीके से वीडियो बनाओ जी, जरूर करो भाई, जरूर भाई ठीक है, बाकी देख जिसने गलत किया होगा ना दोस्त मैं ये चीज भी बोलता हूँ, चाहे वो सुमित हो और बाकी नेहा जिंदल का तो कति गलत ही है भाई, हर वीडियो में दिख रहा है ठीक है। तो भाई मैं भी भिवानी से हूँ, काफी दिनों से ट्राई कर रहा था सुमित भाई के इंटरव्यू की, तो करवाना कोशिश भाई, भाई जरूर कोई दिक्कत नहीं है, और भाई फोन करो इससे फोन वगैरह पिक कर लो भाई, इस फोन से पिक कीजिए आपने कई बार, देख फोन पे फोन आ रहे हैं क्योंकि कांड ही ऐसा हो गया भाई, चलो धन्यवाद भाई जरूर पिक करेंगे, बाकी थोड़ा ना अच्छे से डालना भाई ठीक है, क्योंकि वो भी किसी के माँ के बेटे हैं ठीक है, वो उसकी माँ भी क्या कर दी होगी सुमित की ठीक है, एक की माँ रो रही है, एक की माँ सदमे में है मेरे बालक क्यों हो गई है ना, बहुत सारी चीजें है भाई, तो ठीक है भाई ठीक, उसको थोड़ा देख के समझ के तब डालना ठीक है, जरूर भाई जरूर, व्यू के लिए काम मत करो, नहीं नहीं भाई हम सच्चाई के लिए काम करते हैं भाई, फ्रॉड है के लिए काम लड़की को मिलना चाहिए, हाँ भाई और उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए ठीक है, जरूर भाई जरूर, चाहे दोस्ती सुमित हो भाई ठीक है, मैं यह चीज भी बोलूंगा, धन्यवाद, वो दोस्ती है तो उसको ही मिलना चाहिए, बाकी वो दोस्ती नहीं है वो भोले इंसान है कच्ची यार, ओके ओके ठीक है प्रवीण भाई, आपको भी पता है ठीक है, धन्यवाद प्रवीण भाई, धन्यवाद।